तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल कमलेश के एमएस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कमलेश। आप देख सकते हैं हम आ गए, हम ही हमारे खेत में आ गए हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं हमारे बाजू वाला खेत है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं एक कुएं में जो निकला हुआ है पत्थर है दोस्तों, जैसे भी से फोड़ के निकाला हुआ है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये कुआ भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत गहरा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे का कैमरे से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत गहरा है, अभी पानी नहीं लगा है इसमें, कोई झरना वरना नहीं है इसमें फिलहाल, ये पूरा का पूरा सूखा पड़ा है आप देख सकते हैं। ये बाजू वाला खेत हमारा है दोस्तों, इसके बाजू वाला, ये देखिए फिलहाल कुछ भी नहीं है खेतों में, पूरा खुला पड़ा है खेत, ये देख सकते हैं। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी ही आ गए हम खेत में। ये देख सकते हैं पत्थर जो इसी कुएं से निकला हुआ है, देख सकते हैं इसका साइज, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए पत्थर का साइज देख सकते हैं कितना बड़ा है, ये देखिए ये पूरा का पूरा पत्थर कुएं से निकला हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अब इतना पत्थर निकला है तो खेत में जगह कम हो गई है दोस्तों, ये देखो अब ये पत्थर को यहाँ से उठा के किसी और ले और जगह ले जाना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे खेतों में, ये देखिए रास्ता, ये देख लीजिए दोस्तों पत्थर का साइज देख लीजिए आप, इतने बड़े बड़े पत्थर जिसे भी से मशीन से निकाला हुआ है, ये देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे खेतों में। ये दोस्तों ये बाजू वाला खेत हमारा है, ये देख सकते हैं, ये देख पानी का बोतल रखा है वहाँ पे। चलिए यहाँ से हमको कूदना पड़ेगा दोस्तों, ये दोस्तों हमारा खेत है, फिलहाल इस खेत में कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं मेरी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी है, देखो दिख रही होंगे आपको। और दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, एक मज़े की बात दिखाता हूँ आपको, चलते हैं दोस्तों। ये हमारा खेत है दोस्तों, ये देखिए बेर, बेर का पेड़ है, ये देखिए इसमें बेर लगते हैं दोस्तों, बहुत मीठे होते हैं, फिलहाल इसको कुछ भी नहीं है, ये नीम का पेड़ है, नीम का पेड़। और ये आप देख सकते हैं आगे, इसको हम पड़स बोलते हैं, पड़स का पेड़ इसको देख सकते हैं आप दोस्तों। इसको इसकी खास बात यह है कि आप इसके अगर पत्ते देखेंगे तो एक जो उसकी टहनी होती है उसको सिर्फ तीन ही पन्ने होते हैं दोस्तों, तीन ही पत्ते होते हैं, ये एक, ये दो, ये तीन, उससे ज़्यादा नहीं है। ये देखो कौन सा भी देख लो आप, ये देखिए तीन, इसकी खास बात है ये। और दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ये टहनी है, इसको सिर्फ तीन पत्ते हैं, देखो ये देखिए, ये देखो इसको भी देख सकते हैं आप,
अगर आपको मैं ऊपर दिखा दूँ, ये देखो हर टहनी को तीन पत्ते, सिर्फ तीन पत्ते होते हैं। और दोस्तों इसका और भी उपयोग होता है, अभी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। ये गांव खेड़ों में छोटे छोटे जो घर होते हैं ना, तो उसको ऊपर जो हम टीन बनाते हैं, जो पत्र बोलते हैं, पत्थर पत्थर का जो घर बनाते हैं, उस पर पहले ये ऐसा ये पन्ने तोड़ के उस पर लगाते थे, तो बारिश के मौसम में, धूप के मौसम में ठंडा रहता था घर। आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका सबसे खास उपयोग होता था पहले, अभी भी होता है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर अभी बंद हो गया है। इसका ज़्यादा उपयोग होता था दोस्तों जो हम शादियों में खाना खाते हैं, उसका जो पत्तल होता था, पत्तल जो पत्रावली बोलते हैं मराठी में उसको, तो इससे बनाते थे ये पन्ने एक जगह करके। तो पहले यही बेचते थे लोग, खेड़े गाँव के लोग, जो इसको पत्रावली बना के बाज़ारों में जाके बेचते थे, और वही लोग शादियों में लेके जाते थे और इसी में खाना खाते थे दोस्तों पहले। कुछ खेड़े के लोग ये भी बोलते हैं कि इसमें पूरणपोली, आंब्याचा रस, आम का जो रस होता है, और पूरणाची पोळी जो मराठी में बोलते हैं उसको, वो इसी में खाते थे पहले। दुरन वाटी जो बोलते हैं आप, दुरन वगैरह जो बोलते ना, वो इसी से बनाते थे, और पत्थर वाले भी इसी से बनाते थे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं अभी, चलो चलो चलो। ये दोस्तों अभी भी ट्रैक्टर यहाँ पे आया था, तो ये नांगर के चला गया है। अभी जब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तब यहाँ पे पीरनी बुआई हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे बारिश के मौसम में सोयाबीन और तूर की जो दाल बोलते हैं, तूर की दाल, तो दो चीज़ यहाँ पे हम लगाते हैं दोस्तों। और सिर्फ 6 महीने में वो निकाल के दिवाली के टाइम, जो दिवाली का त्यौहार होता है हमारे इधर हमारे देश में, उस टाइम इसको निकाल के बेच देते हैं। बाद में फिर खेत पूरा खुला का खुला रहता है दोस्तों, अगली जब बारिश का टाइम आ जाएगा तब तक ये पूरा खुला रहता है। आप देख सकते हैं अब ये जो पोल दिख रहा है आगे, उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा दोस्तों, वो इंटरेस्टिंग है हमारे खेतों के खेतों में। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, अभी की इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ मैं। अभी देखो दोस्तों, अब धूप का टाइम है, सोमवार का टाइम है, इसलिए जो पेड़ है पूरे सूख चुके हैं, उसमें कुछ हरियाली, हरे पत्ते कुछ भी नहीं है दोस्तों, ज़्यादातर पेड़ सूख गए हैं यहाँ के, एक देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली जगह पे। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं अभी, मैं आपको जो सरप्राइज़ बोल रहा था कुछ अलग हमारे खेतों में, वो दिखाने के लिए अब चल रहा हूँ उधर, अब भी चलिए मेरे साथ। तो चलते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे जो बावड़ी थी भीर, उसे छोड़ के हम जा रहे हैं। अभी जब पानी भी नहीं आएगा, बारिश के मौसम में पानी इसमें भर जाएगा, तो खेतों के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। उस पानी की वजह से पूरे 12 महीने खेतों में कुछ ना कुछ हरियाली रहेगी। बबूल का पेड़ है दोस्तों, पूरा सूख गया है। वो नीम का पेड़ है, अभी भी हरा भरा है, देखो। तो इधर से चलेंगे अभी, इधर से चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये बाजू वाला खेत है दोस्तों हमारे, ये नीम का पेड़ है, देखो कितना हरा है, देखो दोस्तों आयुर्वेदिक पेड़ है दोस्तों ये। ये दोस्तों इसको लिंबोड़ी लगी है, लिंबोड़ी बोलते हैं हम इसको मराठी में, लिंबोड़ी। देखिए दोस्तों
कितना हरा भरा है। और दोस्तों खास बात, इसकी छाव, जो नीम का पेड़ होता है उसकी छाव बहुत ठंडी होती है दोस्तों, बहुत सुकून की नींद आती है दोस्तों खेतों में। ये फलियां है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इन नीचे जो गिरे हैं फलियां है। ये दोस्तों बबूल के पेड़ के हैं, ये देख सकते हैं। ये दोस्तों बकरियां बहुत चाव से खाती है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ओके, यहाँ रख देते हैं, चलिए आगे। आपको जो खास बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद आपको दिख जाएगी हमारे खेत में ऐसा क्या खास है। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा दोस्तों कि हमारे खेत में ऐसी क्या खास बात है। चलिए दोस्तों, अभी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, हमारे खेत में जो खास बात है वो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। आपको कैसा लगा क्या नहीं, आप जरूर कमेंट में बताएंगे दोस्तों। अभी पहुँच चुके हैं हम उस खास जगह पे हमारे खेत में है, जो है आपको मालूम है दोस्तों, वो दो जगह कौन सी है क्या नहीं, जो खास बात क्या है क्या नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरे खेत में पहला व्लॉग है दोस्तों, सुबह सुबह आया हूँ मैं, हमारे उदगीर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों ये खेत। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हमारे खेत की खास बात, सरप्राइज, तो दोस्तों आपको 5 से 10 सेकंड में आपको मिलने को देखने को मिलेगा दोस्तों। ये हमारे खेत हो गए, अभी मैं पीछे कैमरा से दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको मेरे खेत की खास बात, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आपको समझ आया होगा दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ये देखिए हमारे खेतों में से गुजरती है इंडियन रेल, भारतीय रेल, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं भी थोड़ा चलता हूँ, ये देखो, ये देखिए, अब मैं चढ़ता हूँ पटरी के ऊपर। यस, देखिए दोस्तों ये हमारा खेत है दोस्तों, ये जो दिख रहा है हमारा खेत है, ये जो बाजू में खेत के बाजू में ही रेल गुजरती है दोस्तों। और ये जो दोस्तों ये जो रेल उदगीर से कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु इधर से जाती है दोस्तों, हैदराबाद, बेंगलोर, ये रास्ता है दोस्तों। और आपको मजे की बात बताऊं, अभी शुरू हुआ है दोस्तों, ये पहले नहीं था। अभी को मैं पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ दोस्तों, ये पहली बार हमारे इधर करंट की लाइन आ रही है दोस्तों, इलेक्ट्रिक ट्रेन, पहले नहीं था दोस्तों, ये अभी बिठाया गया है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको थोड़ा पास से ले जा के दिखाता हूँ, ये आम के पेड़ है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये पहले पोल नहीं थे दोस्तों यहाँ पे,
अभी बिठाए हैं, तो इसका मतलब यही है कि अब यहाँ से डीजल की ट्रेनें नहीं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक ट्रेनें ही गुजरेगी। ये देख सकते हैं आप, अब आगे देख सकते हैं, देखिए पूरे पोल यहाँ पे बिछ चुके हैं दोस्तों, पोल लाइट के पोल। तो अभी यहाँ से ये हमारा खेत है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इस तरफ उदगिर है दोस्तों, इस तरफ उदगिर है 10 किलोमीटर पे, और इस तरफ है कर्नाटक का कमल नगर, भालकी, बिदर, हैदराबाद, बेंगलोर। तो दोस्तों आपको कैसा ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारे खेतों की सैर। देखिए दोस्तों हमारे खेतों में से ट्रेन गुजरती है, हमारा खेती ये रहा हमारा खेत, और ये रही ट्रेन की पटरी, इंडियन रेल। अभी कोई टाइम नहीं है दोस्तों, कोई रेल अगर यहाँ से गुजरी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके होस्ट कमलेश को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।